उदगीर विधानसभा क्षेत्र के आप निरीक्षक हैं और आज आपने उदगीर का दौरा किया, क्या देखा आपने यहाँ पर? कांग्रेस की क्या भूमिका है और कितनी ताकत मजबूत है? मैं AICC के ऑब्जर्वर के नाते पे यहाँ पे उदगीरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वर्कर्स बूथ लेवल एजेंट्स का और ब्लॉक लेवल ऑफिस बेयरर्स का मीटिंग में उपस्थित था। मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, हमारे ऑफिस ब्लॉक लेवल के ऑफिस बेयरर्स एक्टिव है, काम कर रहे हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स बहुत एक्टिव है, काम कर रहे हैं, और सबके सब 337 बूथ्स में हमारे बूथ लेवल एजेंट्स का अपॉइंटमेंट हो चुका है, सबके सब अपने काम पे जुड़ा हुआ है। बूथ लेवल का काम जो भी हम उनको नरेट करें वो काम उन कर रहे हैं, और यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे लेकर BCC लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, वर्कर्स बहुत एक्टिव है, लीडर्स बहुत एक्टिव है, सब मिल के काम करके कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस के तरफ काम करना है, कांग्रेस को सक्सेस लाने की कोशिश में सब लगे हुए हैं। ये महसूस हुआ है कि और यहाँ पे कांग्रेस का हर एक वर्कर का हर एक नेता का ग्रास रूट ले लेकर ऊपर तक एक भावना ये है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और हमारे इंस्टीट्यूशंस के एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा ही ऊपर का हाथ है, वो APMC हो, कॉरपोरेशन हो, पंचायती हो और ग्राम पंचायती हो, सोसाइटी हो, हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। इसलिए यहाँ के कांग्रेस का वर्कर्स का लीडर्स का नेताओं का ये कहना है ये सीट महाविकास अगाड़ी से हम मांगना चाहिए, हम कांग्रेस को लेना चाहिए, कांग्रेस को जीतने का बहुत से बहुत परसेंटेज सक्सेस ज़्यादा है कांग्रेस को जीतने का, इसलिए कांग्रेस को ये सीट लेने का एक प्रयत्न करना बोल के सब लोग सब वर्कर वो हमारे ऊपर एक पता करा है। इसलिए मैं ये मुद्दे पर ये इशू पर मैं हाईकमांड को इस इशू पर पॉजिटिव एक रिपोर्ट भेजूँगा, और ये उदगीर कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस के वास्ते बहुत पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जीतने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए ये सीट हम लेना चाहिए बोल के ये रिपोर्ट मैं दूँगा। सिटिंग MLA तो राष्ट्रवादी का है यहाँ पर, पिछले चुनाव वो राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी चुनाव के मुकाबले में इस बार राष्ट्रवादी था, उन्होंने अब हमारे राष्ट्र हमारा अलायंस छोड़ के गया ना अब अजीत छोड़कर गया, लेकिन सिटिंग MLA तो नहीं कहना महाविकास अगाड़ी में राष्ट्रवादी शरद पवार बुट है ना, हम पूछ रहे हैं उनको, हम कन्विंस कर रहे हैं, हम हमारे स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये सीट हमें देने की कोशिश करो, एक सोच इधर लगाओ बोल के हम रिक्वेस्ट करते हैं। 15 साल के आरक्षित सीट पे पहली बार कांग्रेस सबसे ज़्यादा जोर विधानसभा के लिए इस बार मांग रही है। यस, कोशिश करेंगे हम, हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हमारे वर्करों का भावना को हम हाईकमांड तक पहुँचेंगे, तो ये कोशिश है कि हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हमें ये सीट दे दो, ये मांग है हमारा। आपको लगता है कि ये सीट कांग्रेस को मिले? कोशिश करेंगे हम, कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा एहसास भी होता है। देखिए अब हमारे अलायंस के हिसाब से कौन से सीट कैसे बांटने जा रहे देखना है, वो स्ट्रेंथ के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, जो जो इंस्टीट्यूशंस हमारे हाथ में हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस किसके हाथ में हैं, ये हिसाब से सीट मिलेंगे, ये उम्मीद है, ये उम्मीद है हमारे, और हम ये लोकसभा सीट जीते तो ये उम्मीद है, हम कोशिश करेंगे, दिए तो बहुत अच्छा, नहीं दिए तो भी हम आगाड़ी के कैंडिडेट के तरफ से काम करेंगे, उनको जिताएंगे। कितने लोगों ने टिकट मांगा? यहाँ से एक ही कैंडिडेट अब नाम है, वो है उमा कामले, उषा ताई कामले है, और आज तक तो अभी कोई क्लेम नहीं कर रहे, देखेंगे आगे क्या होता, अभी चुनाव तो डिक्लेयर नहीं हुआ, और मेरा काम है एज अ ऑब्जर्वर का, ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं ग्रास रूट लेवल में बूथ लेवल एजेंट्स का एक जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको बूथ लेवल में
जवाबदारी देके काम पे लगाने का एक जवाबदारी मेरे को सौंप दिया है, वो काम में मैं लगाए हूँ। और आज तक मैं 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलरेडी मैं टूर कर चुका हूँ और बूथ लेवल एजेंट्स का मीटिंग कर चुका हूँ। उनका काम क्या है बूथ लेवल में, जो भी फेक वोटर्स इंक्लूड करें उनको निकालने के को एक दावा तसलाब करने का है, और जो भी रियल वोटर्स है उनको निकाल दिया गया उसके वो इशू पे भी हम तसलाब इसको हमारे बूथ लेवल एजेंट्स दावा करेंगे और उनको इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। और हमारे पार्टी के तरफ से हर एक घर को बूथ में एक वोटर लिस्ट में हमारे पार्टी के लोग सपोर्टर्स कौन है, हमारे पार्टी के खिलाफ कौन है, हमारे न्यूट्रल कौन है, इसको हम आइडेंटिफाई करके पार्टी के साथ रहने वाले को हम फिर उनको विश्वास लेके उनका विश्वास बढ़ाएंगे और कांग्रेस के तरफ से ज़्यादा उन्हों कांग्रेस को वोट डालेंगे और काम करने की कोशिश उनको विश्वास बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो भी न्यूट्रल है उनको भी हमारे सिद्धांत हमारे तत्व हमारे विचारधारा के बारे में बता के हमारे डेवलपमेंट का इश्यूज़ के बारे में बता के उनको भी हम कांग्रेस के तरफ लाने की कोशिश करेंगे, उसका विश्वास भी जीतेंगे। और जो भी कांग्रेस में रहकर कांग्रेस से नाराज़ होकर कांग्रेस से दूर चले गए हैं उनको भी हम बात करेंगे, किस इशू पे वो नाराज़ है, किस बात पे वो दूर है, वो इश्यूज़ हम सॉल्व करेंगे, उनको हम साथ लेके बूथ लेवल पे हम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वोट शेयर लेने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमारे खिलाफ है कांग्रेस के बरसों से वैचारिक दृष्टिकोण से दूर है खिलाफ है उनको भी हम संपर्क करेंगे, उनका हमारा सिद्धांत विचारवाद उनका सिद्धांत विचारवाद को हम तुलन करो और हमारे सिद्धांत के बारे में सोचो, हमारे सिद्धांत के बारे में स्टडी करो, कौन सा सिद्धांत अच्छा लगता है ये देश को ये जनता को, ये उनके सामने रख के उनको भी बदलाव करके उनको भी हमारे साथ लेके कांग्रेस का एक सिद्धांत एक सबको लेके जाने का एक जात्यात सिद्धांत को उनके मन में लाके उनको भी कांग्रेस का एक झंडा देने की कोशिश करके उनका भी वोट शेयर लेने का कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर स्ट्रांग करने का एक जवाबदारी मुझे सौंप दिया गया है, वो काम में हम लगे हुए हैं।